Hi, grade first. In previous class, we had explained and revised all the meaning of alphabet, letters, vowels and consonants. हम और एक बार revise करते हैं क्योंकि this is the last exercises of our chapter. So मैं और एक बार revise कर रही हूँ. Alphabet. Alphabet क्या होता है? ए टू जेड के ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्फाबेट. हाउ मेनी अल्फाबेट वी हैव? वी हैव ओनली वन अल्फाबेट. लेटर्स, हाउ मेनी लेटर्स वी हैव? 26. ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम पी क्यू आर एस टी पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे लेटर्स हैं. वावल्स, वावल्स किसे कहते हैं? ए ई आई ओ यू, जितने भी स्वर है हिंदी में स्वर कहते हैं और इंग्लिश में वावल्स. हाउ मेनी वावल्स वी हैव? वी हैव ए ई आई ओ यू, 5 वावल्स. कॉन्सोनेंट्स, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर? 21, बिकॉज ए ई आई ओ यू छोड़ के जितने भी है वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं. वर्ड, वर्ड क्या होता है? दो या उससे ज्यादा लेटर्स जब मिल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ड. सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ सेंसिबल इंफॉर्मेशन. ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंसिबल इंफॉर्मेशन देता है उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस. उसी के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे समझने हैं और सेंटेंस के एंड में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप. और कल के क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम क्वेश्चन मार्क का यूज कैसे करेंगे. अगर हम कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम किसी को कुछ पूछ रहे हैं तो उसके पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और अगर हम किसी को कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप, राइट. और उसी के साथ हमने एक्सरसाइज ए बी और सी कंप्लीट की थी. टुडे आई एम स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज डी, बट बिफोर दिस ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर. हम जब भी कोई सेंटेंस हो, चाहे क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस हो या फिर रेगुलर सेंटेंस हो, हम जब भी लिखने की शुरुआत करते हैं उसे हम किससे स्टार्ट करते हैं? कैपिटल लेटर से, ठीक है. और तो हमें क्या करना है? एक्सरसाइज डी, री राइट द गिवन सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स. आपको सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू करना है, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क एज रिक्वायर्ड. मतलब हम सारे सेंटेंसेस जो है उनको कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, और फुल अगर सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क. नंबर वन, आई हैव अ पैट, मेरे पास एक पैट है. तो आई क्या हो जाएगा? कैपिटल, क्योंकि हम सेंटेंस जब शुरू करते हैं तो वो कैपिटल से शुरू करते हैं. सो आई हैव अ पैट, ये हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप. सो मेरा सेंटेंस है, आई हैव अ पैट. नंबर टू, माय पैट इज स्मॉल. माय पैट इज स्मॉल, मेरा पैट जो है वो छोटा है. मेरा पैट जो है वो छोटा है, तो वो आप हमें बता रहे हो, आप मुझे इन्फॉर्म कर रहे हो. तो माई का एम कैपिटल, क्योंकि ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, सो सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो माई का एम कैपिटल. एंड एज इज ए सेंटेंस, हम लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप. सो माई पैट इज स्मॉल. नंबर थ्री, इट इज रेड. आप जो बता रहे हो
मेरा बेड जो है वो रेड है, ठीक है। तो इट का आई कैपिटल क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस की शुरुआत है, सेंटेंस वहां से शुरू हो रहा है। सो आई कैपिटल इट इज रेड, और लास्ट में फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि आप मुझे इन्फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। नंबर फोर, इट कैन स्विम, वो तैर सकता है, ठीक है। ये भी आप मुझे बता रहे हो कि मेरा जो पेट है वो स्विम कर सकता है, तैर सकता है। सो आई कैपिटल क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत है, सेंटेंस बिगिन हो रहा है। सो इट कैन स्विम, वो तैर सकता है। लास्ट में फुल स्टॉप। नंबर फाइव, इट लिव्स इन वाटर, इट आई कैपिटल इट लिव्स इन वाटर, वो पानी में रहता है। इट लिव्स इन वाटर, ये भी आप मुझे इन्फॉर्म कर रहे हो कि आप अपने पेट के बारे में बता रहे हो ना, तो आप क्या कह रहे हो, वो पानी में रहता है, तो आप बता रहे हो, तो दिस इज सेंटेंस। तो इसको भी हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप, आई कैपिटल क्योंकि सेंटेंस शुरू हो रहा है, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। नंबर सिक्स, कैन यू टेल व्हाट माय पेट इज, क्या आप बता सकते हो कि मेरा पेट कौन है, ठीक है। ये आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप मुझे पूछ रहे हो क्या आप बता सकते हो कि मेरा पेट कौन है। सो कैन का सी कैपिटल क्योंकि ये सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। कैन यू टेल मी, टेल व्हाट माय पेट इज, तो कैन का सी कैपिटल क्योंकि सेंटेंस शुरू हो रहा है, और लास्ट में फुल स्टॉप क्योंकि आप मुझे बता रहे हो, आप मुझे पूछ रहे हो कि क्या आप मेरे पेट का नाम गैस कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये सारे हिंट्स देख ले तो उनका उसका पेट क्या होगा, फिश। क्यों फिश? क्योंकि वो स्मॉल भी होती है, रेड इन कलर होती है, स्विम कर सकती है, तैर सकती है, वो पानी में रहती है, है? तो उसकी पेट कौन होगी, फिश, ठीक है। एंड लास्ट, डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ माई पेट, आपको मेरे पेट के साथ खेलना है। ये भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या आप मेरे पेट के साथ खेलना चाहते हो, ठीक है। सो डू यू का, डू का डी कैपिटल, डू यू वॉन्ट टू प्ले विथ माई पेट, तो डी कैपिटल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। सो होप दिस इज क्लियर। और आज का आपका होमवर्क है, अब एक्सरसाइज डी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करेंगे, एंड इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। दिस आई एंड दिस क्लास, गुड बाय एवरीवन, बाय फॉर द डे, बाय।